दिल्ली के लोगों को जल्दी कूड़े के पहाड़ से निजात मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन उन्होंने किया है। मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना भी मौजूद थे, साथ ही साथ दिल्ली बीजेपी से जुड़े कई नेताओं ने भी शिरकत की है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के जरिए कूड़े से बिजली और खाद बनाई जाएगी। प्लांट से 25 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। आम आदमी पार्टी कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बनाती रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली में 16 कूड़े के पहाड़ बनाने का आरोप लगाया था। हालांकि एमसीडी के चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा बीजेपी कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की कोशिश में जुटी हुई है ताकि दिल्ली की जनता को कूड़े के पहाड़ से निजात मिले। इसी कड़ी में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। केजरीवाल जी कई प्रकार के हर रोज प्रेस स्टेटमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइज देते हैं और उन्होंने ये मान लिया है कि प्रेस के इंटरव्यू से ही विकास होता है। उन्होंने ये मान लिया है कि एडवर्टाइज देने से देश की जनता भ्रमित हो सकती है। मित्रों, ये भ्रम 5 साल चल सकता है, 7 साल चल सकता है, मगर धीरे धीरे जनता जानती है। मैं आज दिल्ली की जनता को इतना ही कहने आया हूं कि आप पार्टी जो है वो दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, हम दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने तय करना है कि आत्मनिर्भर दिल्ली चाहिए या आत्मनिर्भर दिल्ली चाहिए। और केजरीवाल जी, आज मैं एक बात यहां से पूछ कर जाता हूं आपको, दिल्ली नगर निगम 3 बने थे, क्यों एकीकृत करने पड़े, क्यों एक बनाना पड़ा? क्योंकि इनके बकाया 40,000 करोड़ से बड़ी राशि आपने दोयम दर्जे का व्यवहार कर नगर निगमों को नहीं दी, जिससे नगर निगम काम करने की स्थिति में नहीं रहे। मित्रों, मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नगर निगम को जो उनका बकाया देना है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप जोर से बताइए। ये दायित्व दिल्ली सरकार का है या नहीं है? इस प्रकार की छोटी राजनीति कर दिल्ली की जनता के साथ द्रोह करने का काम आप पार्टी की सरकार ने किया है। कूड़े को जगह जगह पर यूटिलाइज करना था और आज ये कूड़ा घट के 203 लाख मैट्रिक टन सिर्फ रह गया है, जो लगभग 246 मैट्रिक टन हुआ करता था। और आज जो हमारा जो एवरेज है वो लगभग 6,52,000 मैट्रिक टन पर मंथ का आ गया है, जो पहले 1,42,000 मैट्रिक टन हुआ करता था। मुझे यकीन है कि एमसीडी के जो प्रयास हो रहे हैं वो आने वाले समय में हम इस कूड़े के ढेर को खत्म करने में सफल होंगे। कम संसाधन में केंद्र सरकार की मदद से, भारत सरकार की मदद से कूड़े के निपटान हो, स्वच्छता मिशन हो, उसने बहुत बड़ा काम किया है। आज दिल्ली के अंदर लगभग 14,000 ऑटो टिपर घर घर से कूड़ा उठाते हैं, 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा उठाते हैं। और जो लोग कूड़े के पहाड़ पर सियासत करते हैं, 7.5 सालों के अंदर उन्होंने कभी भी दिल्ली नगर निगम को जो उनका ड्यू फंड था वो भी देने का काम नहीं किया है।